बीजेपी से जयंत चौधरी ने जो डील की उसका क्या परिणाम हुआ अब उसकी वजह सामने आने लगी। दादा चौधरी चरण सिंह ने जो की राजनीति उस राजनीति का बड़ा साइड इफेक्ट दिखा। सियासी गलियारों में हर किसी की जुबान पर चर्चा होने लगी। क्या जयंत की ओर से लिए गए फैसले पर आरएलडी में हो गई फूट। जयंत चौधरी को दिखा ऐसा संकेत कहने वाले कहने लग गए थम गई जयंत की सियासत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का पहला परिणाम अब राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को मिला। ये परिणाम ऐसा है जिसे जयंत की राजनीति के पक्ष में तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा लग रहा है आरएलडी के अंदर जयंत चौधरी की ओर से लिए गए फैसले पर एक अलग ही तरह का विरोध दिख रहा है जिसकी उम्मीद शायद ही जयंत चौधरी ने की होगी। अब जयंत ने इंडिया से अलग होने के लिए अपने दादा चौधरी चरण सिंह को मिले सम्मान को बड़ी वजह बताया, लेकिन अखिलेश तो छोड़िए उनके ही नेता जयंत के इस तर्क को पचा नहीं पा रहे। वो जयंत की ओर से एक तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ छोड़ने को विश्वासघात की तरह ले रहे हैं। अब उन्होंने जब ऐसा किया तो जयंत को उन्होंने उनके मन में उनके लिए फैसले को लेकर क्या चल रहा है उसे बताने में देर नहीं की। विरोध के तौर पर उन्होंने सीधा संदेश भेज दिया। हालांकि आरएलडी की ओर से इसे इस तरीके से नहीं लिया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। जयंत की ओर से बीजेपी से डील पर आरएलडी के अंदर ही विरोध हो रहा है। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए समझ जाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के एनडीए में शामिल होने की घोषणा जल्द की जा सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा और आरएलडी में डील फाइनल हो गई है। इस बीच खबर आई थी कि रालोद चीफ जयंत चौधरी के एनडीए में जाने को लेकर पार्टी के कई नेता नाराज हैं। खबर आई थी कि रालोद में जयंत के इस फैसले को लेकर घमासान मचा हुआ है और पार्टी के नेता जयंत चौधरी से नाराज हैं। इन खबरों को तब और ताकत मिली जब खबर सामने आई कि अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने पार्टी के 9 में से सिर्फ 5 विधायक पहुंचे। 4 आरएलडी विधायकों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन से दूरी बना रखी। वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए तो इसे किस तरह से लिया जाए। क्या आरएलडी के अंदर ही बीजेपी से डील पर दो फाड़ हो चुका है। आरएलडी के अंदर दो तरह के खेमे तैयार हो गए। पहले खेमे में वो नेता हैं जो जयंत की ओर से लिए गए फैसले पर साथ दे रहे हैं, तो दूसरे खेमे में वो नेता हैं जो जयंत के फैसले के खिलाफ अखिलेश के साथ दिख रहे हैं। हालांकि 4 विधायकों के अयोध्या नहीं जाने पर अब आरएलडी की ओर से तर्क दिया गया। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर रालोद प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा, खबर उड़ रही है कि हमारे कुछ विधायक जयंत चौधरी जी से नाराज हैं और हमारी पार्टी रालोद में घमासान मचा हुआ है। रालोद का हर विधायक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता चौधरी जयंत सिंह जी के हर फैसले के साथ हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें। दरअसल यूपी विधानसभा के विधायक राम मंदिर दर्शन करने अयोध्या गए थे। रालोद ने भी यह फैसला किया था कि उनके विधायक भी अयोध्या जा सकते हैं, मगर रालोद में 9 में से सिर्फ 5 विधायक अयोध्या गए। दरअसल 4 विधायक अयोध्या नहीं गए, उनमें से 2 मुस्लिम विधायक थे, तो वहीं 2 विधायक अपने निजी कारणों से रामलला के दर्शन करने अयोध्या नहीं जा सके। पार्टी नेता और प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि अयोध्या जाना पार्टी ने जरूरी नहीं किया था, जो अयोध्या जाना चाहता है वो जा सकता था। हमारी पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है।